गंभीर रूप से घायल हो गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जिलाधिकारी। ये गणेशगंज मोहल्ला है जो नाका थाने के अंतर्गत आता है, उसी में सर्वेश मिश्रा जी हैं, उनके हस्बैंड वाइफ और तीन बच्चियां रहते थे। उसके जो मकान है उसका फ्रंट पोर्शन किसी वजह से गिरा और बहुत संकरी गली होने की वजह से सारा मलबा एक के ऊपर एक गिरा। उसी में एक बच्ची 11 साल की, उसकी डेथ हुई है और जो महिला है उनको चोट लगी है, उनके पाँव में चोट है, हालांकि वो खतरे से बाहर हैं, बाकी परिवार के लोग सुरक्षित हैं। हालांकि आसपास भी ऐसे पुराने मकान हैं लेकिन कुछ पेड़ वगैरह इस मकान में उगे हुए थे जिसकी वजह से इसका गिरना बताया जा रहा है। अभी मौके पे जो मोहल्ले वाले हैं उनसे मिलके राहत का बचाव कार्य चला है। अब सारा मलबा उनका निकलवाया जा रहा है, सारा सामान भी शिफ्ट करा के बगल के मकान में रखवाया जा रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जितनी भी मदद रिलीफ हो सके वो तत्काल सहायता इनको सारी उपलब्ध कराई जाए। सर एक सवाल और है, आखिरी सवाल, कि यहाँ पे 150 इमारतें ऐसी हैं जो गिरने की कगार पे हैं, उनको नगर निगम ने चिन्हित भी कर लिया है, जिला प्रशासन को लेटर भी लिखे हैं, लेकिन आज तक ना उनको खाली कराया जा सका है ना ही उन पे जो है वो किसी तरह की डेमोलिशन की कार्रवाई हुई है, ऐसा क्यों हो रहा है? डिमोल्यूशन की कार्रवाई तो तब की जाती है जब लोग खाली कर दें। लगभग 150 मकान जो चिन्हित हुए हैं, धारा 131 के नोटिसेज नगर निगम ने भेजे हैं, उन नोटिसेज को भेजने के बाद लोगों को बताया गया कि वो खाली कर दें, लेकिन खाली करने में लोग रेजिस्टेंट होते हैं, उन्हीं को सख्ती से अब डील करने की आवश्यकता है कि वो उन मकानों को खाली कर दें। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, इनसे हमने बात किया और जाना कि किस तरह से जो है वो मकान गिरा और आगे ये क्या कार्रवाई करेंगे सख्ती के साथ निपटने से। कैमरामैन प्रदीप के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।